यूपी के सीतापुर में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे एक निजी स्कूल की दीवार ढहने से एक बच्चे की मौत होने के मामले की टुडे 24 द्वारा चलाई गई खबर का मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की संतुति की है। विधायक की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने NPRC प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यही नहीं, ABSA मोहाली के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इस मामले पर मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी बेहद गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विधायक ने यहां तक कहा कि उनके द्वारा BSA अजय कुमार के खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन से पत्राचार करेंगे। मालूम हो कि मोहाली तहसील क्षेत्र के गांव रोहिला में गौरी शंकर जनता माध्यमिक विद्यालय वेदनाथ अवस्थी द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रतिदिन की तरह मंगलवार को छात्र विद्यालय पढ़ने आए थे। बताया जाता है कि हल्की बूंदाबांदी के बीच विद्यालय की एक दीवार पर टीन सेट पड़ा हुआ था। इसी के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक दीवार ढहने से टीन के नीचे कक्षा ए के आधा दर्जन से अधिक बच्चे दब गए, जिसमें अंकित, नैन्सी, नितिन, शिवम, सोमवती, सिद्धार्थ, देवेंद्र, साक्षी, सुमित गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन सभी बच्चों को लेकर मोहाली CSC लाए। यहां पर नितिन की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों की माने तो जिला अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही नितिन ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। वहीं शेष बच्चों का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। विधायक जी, शिक्षा विभाग की जो लापरवाही सामने आई है, इस पर अभी तक क्या शासन के द्वारा कार्रवाई की गई है? मेरे संज्ञान में ये विषय बहुत दिनों से चल रहा था और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों से मैंने बोल रखा था कि जो अमान्य विद्यालय हैं या जो अवैध जमीन पे बगैर मानक के विद्यालय चल रहे हैं, वो चाहे किसी के भी हों, वो तुरंत बंद कराए जाएँ। उसके बाद भी इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, उसका दंड इनको भुगतना पड़ेगा। और यहाँ के NPRC निलंबित किए जा चुके हैं, अभी वो निलंबित हो गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन की संस्तुति की जा चुकी है और BSA के खिलाफ भी मैं जांच लिखने जा रहा हूँ। अनुपमा जी से मेरी बात हुई है, BSA के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई नज़ीर बनेगी कि भविष्य में किसी हमारे शिक्षा तंत्र के अधिकारी या कर्मचारी हमारे क्षेत्र के लोगों से खिलवाड़ न करें। दुर्घटना के मुआवजा के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी प्रयासरत हैं, हमारे पत्रकार भाई और हमारी शासन सरकार, पूरी मंशा ये है कि ऐसा जो भी इकलौता बेटा है किसी का, तो मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं जाके मिलूंगा इस विषय पर और अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाऊंगा।